देखो यहाँ पे हमने पास क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस वेयर टेंजेंट इज इंक्लाइंड एंड एंगल पाई बाई फोर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमें टेंजेंट है, वो टेंजेंट का एंगल गिवन है पाई बाई फोर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और टेंजेंट का एंगल है वो एक्स एक्सिस से पाई बाई फोर है। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होती है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा हमारे पास पाई बाई फोर है, तो टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर क्या होता है वन, यानी कि एम थीटा क्या, स्लोप क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू आ गया वन, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमें वन गिवन है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स इज इक्वल टू गिवेन है ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू गिवेन है यहाँ पे ए इंटू वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स एंड वाई है वो थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, थीटा क्या क्या हो जाएगा वन, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा प्लस कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह वाई को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए तो कॉन्स्टेंट है, एन वन का हो जाएगा जीरो, माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस एन साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स ही आ गया वापस। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा ये रहा हमारे पास, तो ये क्या है ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन ए वन प्लस कोस थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है वन। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो वन बाई रूट टू साइन थीटा माइनस वन बाई रूट टू कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वन बाई रूट टू क्या होता है, कोस पाई बाई फोर साइन थीटा माइनस, यहाँ पे वन बाई रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी एंड कोस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस पाई बाई फोर बन गया इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। ठीक है, तो थीटा माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, और वन बाई रूट टू साइन की वैल्यू क्या होती है पाई बाई फोर पे, और इधर क्या है थीटा माइनस पाई बाई फोर, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर पाई बाई टू, तो थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास पाई बाई टू। तो ये थीटा की वैल्यू पाई बाई टू यहाँ पे पुट कर देंगे हम एक्स एंड वाई में, तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू पाई बाई टू पुट करेंगे तो पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू क्या होता है वन, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इंटू वन माइनस कोस पाई बाई टू क्या होता है जीरो, तो ये आ गया ए। ठीक है, तो ए इंटू पाई बाई टू प्लस टू कोमा ए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इजी है।